माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में दिव्यांग जनों के जीवन में आ रहा है अभूतपूर्व बदलाव। उन्हें मिल रही है गरिमामय पहचान, उनकी अपनी पहचान। प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और उनके पहचान के लिए UDID कार्ड की परिकल्पना की थी। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने वर्ष 2016 में इस कार्ड को जारी किया। UDID यानी यूनिक आइडेंटिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। UDID कार्ड के लिए दिव्यांग जनों को UDID पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसके बाद संबंधित मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग जनों का आकलन करके उन्हें UDID कार्ड प्रदान किया जाता है। साथ ही वो पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। यही नहीं, वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड के नवीनीकरण और कार्ड के खो जाने की स्थिति में ऑनलाइन ही अनुरोध भी कर सकते हैं। UDID कार्ड में लगे चिप में दिव्यांग जन की पूरी जानकारी स्टोर रहती है। अब दिव्यांग जन को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एक कार्ड से उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस कार्ड से मेरे को बहुत फायदा है, मेरे लिए गाड़ी मिली, मेरे पेंशन मिलती है, ट्रेन में भी फ्री है, बस में भी फ्री है जी। मोदी जी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ जी। यदि आपके या आपके किसी परिचित के लिए UDID कार्ड बनवाना हो तो आप www.savlambankard.gov.in पर जाकर अथवा किसी नजदीकी जन सहायता केंद्र के माध्यम से UDID कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। भविष्य में UDID कार्ड दिव्यांग जनों की पहचान और सत्यापन का एकल दस्तावेज होगा, जिसके माध्यम से वो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। एक दिव्यांग एक पहचान के मंत्र को फलीभूत करने के लिए बड़ी तेजी से UDID कार्ड का पंजीकरण हो रहा है। दिव्यांग जन को पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार का और खास करके मोदी जी का बारंबार धन्यवाद। डिजिटल भारत की नई तस्वीर UDID।